बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है बीटेक। कितने साल का ये कोर्स रहता है, क्या क्या एडमिशन प्रोसेस रहते हैं, आगे जाके आपको कितनी सैलरी लग सकती है, कौन से ऐसे मेजर एंट्रेंस एग्जाम्स है, कौन से ऐसे स्पेशलाइजेशन है और बहुत सारे ऐसे बीटेक के टॉप कॉलेजेस मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए बिना किसी स्किप करने के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जैसे हमारे वीडियोस के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। पहले हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में। तो बीटेक का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। कोर्स लेवल क्या होता है, बैचलर लेवल का ये कोर्स होता है, उसके बाद यूजी आता है अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद उसके आगे पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या कोर्स ड्यूरेशन रहता है, कितने साल का बीटेक का कोर्स होता है। तो बीटेक का कोर्स 4 साल का ये कोर्स रहता है और कंपेयर करें दूसरे कोर्सेज से, कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्सेज से, तो वो उनके कोर्स 3 साल के वो कोर्स रहते हैं, पर हमारा जो बीटेक का कोर्स है वो 4 साल का वो कोर्स रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो फर्स्ट होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत सारे नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम लिए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम भी वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप उनको क्लियर करके आप अपनी एडमिशन कॉलेजेस में आप लगा सकते हो। दूसरा है मेरिट बेस्ड। बहुत सारे ऐसे और भी दूसरे कॉलेजेस हैं जो आपको ट्वेल्थ के रिजल्ट बेस पे भी आपको एडमिशन करवा के दे सकती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन टाइप। तो देखिए एग्जामिनेशन, जैसे आपका एडमिशन होगा तो उसके बाद एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो एग्जामिनेशन टाइप होता है सेमिस्टर सिस्टम रहता है, आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी के, कौन से बच्चे बीटेक कर सकते हैं। तो 10+2 आपका 12th होना ज़रूरी है, मिनिमम मार्क्स आपको 50% होना चाहिए विथ PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका होना ही चाहिए, तभी आप बीटेक कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज कोर्स फीस के बारे में। तो 40,000 से लेकर 2,00,000 तक आपका जो फीस स्ट्रक्चर होगा बीटेक का, ये अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर कि आप किस कॉलेज में आप जाते हो। उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्टार्टिंग सैलरी में। कभी ना कभी तो आपका बीटेक ख़त्म होगा 4 साल 5 साल में, उसके बाद आप जॉब करोगे, तो आपका जो 5 से 10 लाख आप पर एनम कमा सकते हो ये इनिशियल बेसिस में। देखिए जैसे आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा तो आपका जो पैकेज है वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये था कुछ चीज़ें, ये एवरेज स्टार्टिंग सैलरी वो पूरा डिपेंड करते हो कि आप बीटेक कौन से स्पेशलाइजेशन से आप क्लियर कर रहे हो, आप कौन सी आप जॉब कर रहे हो, उस हिसाब से आपकी जो पैकेज रहेगा वो डिसाइड होएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में, कौन से ऐसे मेन एग्ज़ाम्स है जो हमें टॉप कॉलेजेस में जाने में हमें हेल्प कर सकती है। तो फर्स्ट है JEE मेंस, JEE एडवांस, मतलब जितने भी IIT के जितने भी कॉलेजेस हैं वो इन दोनों को देखकर, JEE मेंस और JEE एडवांस को देखकर आपको एडमिशन देती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम है, स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम जो आप वैसे उन स्टेट्स में आप कर सकते हो, जैसे कि VIT, EEE, ये है इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। उसके बाद आप MHT, CET, महाराष्ट्र में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको MHT सेट करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद बात आते हैं BIT, SAT, बिरला इंस्टीट्यूट के बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आप वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं UPSEE, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जामिनेशन एंट्रेंस। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जितने भी UP के जितने भी टॉप कॉलेजेस है, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आपको उनमें एडमिशन लेना है तो आपको UPSEE का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं MUOET, मनी यूनिवर्सिटीज़ बहुत है उसमें भी, आप ये एग्ज़ाम भी आप कर सकते हो। उसके बाद SAT सेट करके, सिम्बोसिस जैसे जितने भी है, आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो सिम्बोसिस के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं IPLU CET, इंद्रू प्लस यूनिवर्सिटी सेट, अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करोगे तो आपको अच्छी कॉलेज में आपको जॉब लग सकती है, आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं TS सेट, जितने भी तेलंगाना में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी से टॉप कॉलेजेस है, आपको अगर उन कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप TSCET का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा तेलंगाना में आपको कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस के बारे में, बीटेक में कौन से स्पेशलाइजेशंस रहते हैं। मैंने तो वैसे इधर मैंने कुछ टॉप
स्पेशलाइजेशन मैंने लिख के रखे हैं जो बच्चे बहुत करते आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और जो आगे भी जाके करेंगे, और भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन पर मैंने यहाँ पे कुछ टॉप निकाल के रखा है। तो फर्स्ट है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैनी इंजीनियरिंग। तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप बीटेक में आप कर सकते हो। पूरा डिपेंड करता है आपको किस, आपका जो गोल है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उस हिसाब से अपना जो स्पेशलाइजेशन है बीटेक में आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बीटेक की कुछ टॉप कॉलेज के बारे में, कौन से पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, पर मैंने कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम निकाल के रखे हैं। और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर आपको चाहिए नाम तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के दीजिएगा, मैं उसके ऊपर सेपरेट से वीडियोस बनाऊंगा बीटेक के टॉप कॉलेजेस के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं, पहला आता है आईआईटी कानपुर, फिर खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी रुड़की। फिर उसके बाद ये कुछ आईआईटी के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको बहुत सारे, मतलब जेडब्ल्यूई मेंस और जेडब्ल्यूई एडवांस अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया होगा तो ही आपको ये कॉलेजेस आपको एडमिशन देंगी। उसके बाद बहुत सारी और भी कॉलेजेस हैं जैसे कि एनआईटी वेरोंगल, एनआईटी इलाहाबाद, बीआईटीएस पिलानी, जोधपुर यूनिवर्सिटी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बहुत सारे ऐसे बीटेक के कॉलेजेस हैं जो अगर आप यहाँ पे अपना एडमिशन लोगे तो बहुत सारी कंपनीज आपको आएंगी हायर करने के लिए आईटी सेक्टर्स में। तो ये था पूरा रफ डिटेल बीटेक के ऊपर। आई होप आपके जो थोड़े कुछ डाउट्स हो गए बीटेक से रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ भी बीटेक के जितने भी स्पेशलाइजेशन है, अगर आपको कुछ उसके ऊपर कोई सेपरेट वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो जल्दी बना के लेके आऊँगा। और भी आपको कुछ डाउट हो गया बीटेक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं अपना ये वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये पूरा जो बीटेक का जितना भी था माजरा आप पूरा आप समझ गए हो गए और कैसे होता है, क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, टॉप कॉलेज से स्पेशलाइजेशन से क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है मैंने आपको सब बता दिए। तो यहाँ पर ही मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।